अक्षय कुमार इज अ फिल्म मेकिंग मशीन। चाहे उनकी मूवी फ्लॉप हो या हिट, हर साल उनकी 4 मूवी रिलीज होनी होती है। जहाँ दूसरे एक्टर 4 साल में 1 मूवी बनाते हैं, वही अक्षय कुमार 1 साल में 4 मूवी बना लेते हैं। इस साल अक्षय कुमार की 3 मूवी रिलीज हुई थी, जिसमें से 2 मूवी फ्लॉप हो चुकी है। मिशन रानीगंज और सेल्फी। मिशन रानीगंज मूवी अभी भी थिएटर में चल रही है, पर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख के नहीं लगता कि 100 करोड़ भी कमा पाएगी। इस मूवी ने 14 दिन में सिर्फ 30 करोड़ ही कमा पाया। तुम देख सकते हो कि ये मूवी कितनी गंदी तरीके से बॉक्स ऑफिस पे फिट रही है। 2022 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की मूवी की बात करें तो सारी मूवी फ्लॉप हुई थी, कुछ मूवी अच्छे होने के बावजूद। हर किसी ने तो अक्षय कुमार की मूवी बचपन में ही देखा होगा, जिसमें से मेरे कुछ फेवरेट मूवीज है भागम भाग, फिर हेरा फेरी के सारे पार्ट, खट्टा मीठा, दे दनादन। अब हार्डली ऐसी मूवी बनती है जो ऑडियंस को खुल के हंसा सके। एनीवेज, तुम्हारी कौन सी अक्षय कुमार की फेवरेट मूवी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अक्षय कुमार सिर्फ कॉमेडी मूवी नहीं बनाते, उन्होंने बायोग्राफी, सोशल इशूज के ऊपर भी मूवी बनाई है। एग्जाम्पल के लिए पैडमैन और एक टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये सारी मूवी अच्छे थे। आर्टिकल्स के अनुसार एक मूवी को बनाने में 309 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 871 दिन, जिसमें से प्री प्रोडक्शन में 146 दिन, फिर शूटिंग में 106 दिन, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में 301 दिन लगते हैं। अगर भारी भरकम VFX यूज हो तो मूवी को कुछ ज़्यादा दिन लग जाते हैं बनाने में। वही अक्षय कुमार की फिल्म पे नज़र डाले तो उन्हें कम से कम एक मूवी को कंप्लीट होने में 300 दिन लग जाते हैं बनके तैयार होने में, और अक्षय कुमार शूटिंग को ख़त्म सिर्फ 60 दिनों में कर लेते हैं। नमस्ते लंदन, हाउसफुल 3 और मुझसे शादी करोगी जैसी मूवी की शूटिंग सिर्फ 30 से 38 दिनों में ख़त्म कर चुके हैं। ये सिर्फ अक्षय कुमार के डेडिकेशन और डिसिप्लिन का कमाल है जो इतनी जल्दी इस मूवीज़ की शूटिंग ख़त्म कर लेते हैं। शायद ये एक वजह हो सकती है कि उनकी काफ़ी मूवी फ्लॉप हो जाती है, किसी कैरेक्टर को ज़्यादा टाइम ना देना। वेल, तुम क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये कुछ क्वेश्चन है जिनके मैं आंसर वीडियो में आगे चल के देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, अक्षय कुमार कब से एक साल में 4 मूवी बनाते आ रहे हैं? मैं हर साल का डाटा तुम्हें दिखाने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन, अक्षय कुमार पर मूवी कितना चार्ज करते हैं? आखिरी और मेरा फेवरेट क्वेश्चन, अक्षय कुमार ने अभी तक कितने मूवीज बना चुके हैं और कितने मूवी फ्लॉप हुए और सुपरहिट हुए हैं? वीडियो में आगे बढ़ते हुए पहले क्वेश्चन का जवाब हर साल के डाटा के थ्रू दिखाने वाला हूँ। 2024 में अक्षय कुमार की ऑलरेडी 5 मूवी आने वाली है। पहला सोलराय पटरू रीमेक, सेकंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ, थर्ड स्काई फोर्स, फोर्थ हाउसफुल 5, फिफ्थ वेलकम 3। इस साल अक्षय कुमार की 3 मूवी रिलीज हो चुकी है और चौथी मूवी दिवाली तक रिलीज हो सकती है। पहली है सेल्फी, सेकंड ओ माय गॉड 2, थर्ड है मिशन रानीगंज, फोर्थ है वीर डोंडले 7। मैं अब स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ हर साल के मूवी का, एक एक नाम बताने में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 2022 में 5 मूवी, 2021 में 3 मूवी, 2020 में कोरोना वायरस की वजह से 1 भी मूवी रिलीज नहीं हो पाई थी, 2019 में 4 मूवी, 2018 में 4 मूवी, 2017 में 3 मूवी, 2016 में 3 मूवी, 2015 में 4 मूवी, 2014 में 2 मूवी, 2013 में 3 मूवी, 2012 में 4 मूवी, 2011 में 2 मूवी, 2010 में 3 मूवी और 2009 में 4 मूवी। तुम खुद देख सकते हो कि अक्षय कुमार कब से 3 या 4 मूवी हर साल बनाते आ रहे हैं। इससे पहले का भी डाटा निकालूंगा तो यही सेम रिजल्ट निकलेगा। जब से अक्षय कुमार मूवी इंडस्ट्री में आए तब से लेकर आज तक वो 3 या 4 मूवी बनाते आ रहे हैं और उनका यही स्टाइल है काम करने का, और मेरे ख्याल से आगे चल के ये चीज़ बदलने वाली नहीं है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है अक्षय कुमार पर मूवी कितना पैसा चार्ज करते हैं? इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल के अनुसार अक्षय कुमार पर मूवी 100 से 150 करोड़ के बीच में चार्ज करते हैं। मुझे स्पेसिफिक अमाउंट नहीं मिल पाया तो हम अज्यूम करते हैं कि पर मूवी अक्षय कुमार 100 करोड़ तो चार्ज करते ही होंगे। सिंपली 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 400 करोड़ पर साल अक्षय कुमार कमा लेते हैं 4 मूवी बना के, और बोलो जुबा केसरी ऐड का फी मत भूलना। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अक्षय कुमार ने अभी तक कितने मूवी में एक्टिंग कर चुके हैं और कितने मूवीज उनकी फ्लॉप और सुपरहिट हुई है? तो अक्षय कुमार टोटल 127 मूवी में काम कर चुके हैं और अभी तक शाहरुख खान ने भी इतने मूवी में काम नहीं किया है। 127 में से सिर्फ 15 मूवी सुपरहिट हुई है और 22 मूवी हिट और 30 मूवी ने एवरेज परफॉर्मेंस किया है और 60 मूवी फ्लॉप हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना। तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमैटिक रिव्यू।